हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्निशियन चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स को जब हम यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं तो वो सर्च में आते ही नहीं है। किसी के चैनल का नाम अगर हम डाल के सर्च कर रहे हैं तो वो चैनल सर्च में आता ही नहीं है। अब मान लीजिए अगर कोई चैनल सर्च में आ ही नहीं रहा है तो उसका चैनल ग्रो होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, यानी चैनल ग्रो होना लगभग नामुमकिन है। आपका चैनल सर्च में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने चैनल को केवल 15 डेज के अंदर सर्च में ला सकते हो, YouTube सर्च में ला सकते हो। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, जब हम पहली बार YouTube पर कोई चैनल क्रिएट करते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और हम जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारा चैनल ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को सर्च में ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और कंप्यूटर पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने YouTube चैनल पर सेटिंग कर सकते हो जिससे कि आपका चैनल सर्च में आ जाए। आप चाहें तो इन सेटिंग्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पर आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा और वहाँ पर आपको यूट्यूब डेस्कटॉप मोड में ओपन करना होगा, आप सारी सेटिंग कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और देखते हैं कैसे हम इन सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पर और कंप्यूटर पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है। अब किसी भी चैनल को अगर हम सर्च करते हैं और वो सर्च में नहीं आता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मेरा एक चैनल है ट्रायंगल गेमर, मैं यहाँ पर ट्रायंगल गेमर डाल के सर्च करता हूँ तो देखते हैं सर्च में आता है या नहीं आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ऊपर ट्रायंगल गेमर आ रहा है। तो ऐसे ही आपका चैनल भी सर्च में आना चाहिए। जैसे ही कोई आपके चैनल का नाम डालकर अगर सर्च करता है तो आपका चैनल यहाँ पर आना चाहिए, दिखना चाहिए। और आपका चैनल अगर सर्च में नहीं आ रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन सब के बारे में आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप अपना चैनल क्रिएट कर रहे हो तो आपको ऐसा नाम रखना है अपने चैनल का जो YouTube पर किसी दूसरे चैनल का ना हो। अगर दूसरे चैनल का किसी का है भी, अगर आप चाहते हो वही नाम आपको रखना है तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि ऐसा कोई चैनल ना हो जिसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो रखे हों। यानी ऐसा कोई भी दूसरा चैनल YouTube पर ना हो जिसके 1000 सब्सक्राइबर पहले से ही हो रखे हों और चैनल पहले से बना हुआ है और उसी नाम से आप चैनल क्रिएट कर लेते हो तो आपको दिक्कत होने वाली है। कोशिश तो ये रखो उस नाम से कोई भी चैनल YouTube पर ना हो। ये जानने के लिए मान लीजिए आपने कोई नाम सोचा, उस नाम को आप यहाँ पर सर्च में डाल के सर्च कर लीजिए। अगर उस नाम से कोई भी चैनल नहीं आ रहा है तो आप उस नाम से चैनल क्रिएट कर लीजिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ये अगर आपने चैनल बना लिया उस नाम से पहले से ही कोई दूसरा चैनल है तो वो चैनल अगर कोई भी उस नाम को सर्च करेगा तो उसका चैनल का नाम टॉप पर आएगा, यानी उसका चैनल का नाम यानी उसका चैनल जो है वो सर्च में सबसे पहले आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने चैनल का नाम यूनिक रखें, उस नाम से कोई भी दूसरा चैनल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने चैनल क्रिएट कर लिया है लेकिन आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है, क्या क्या सेटिंग्स आप चेक करोगे तो उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन आता है योर चैनल का, योर चैनल पर क्लिक कर दीजिए तो इस तरह से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक अबाउट सेक्शन है, अबाउट का बटन है, अबाउट के बटन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको अपने चैनल का नाम देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख रखा है चैनल का नाम, देखो यहाँ पर आ रहा है, यानी आना चाहिए कहीं ना कहीं नाम। तो मेरा ट्रायंगल गेमर चैनल है तो उसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है ट्रायंगल गेमर। इसके अलावा यहाँ पर हैशटैग के साथ मैंने बिना किसी स्पेस के ट्रायंगल गेमर लिख रखा है। तो इसी तरह से आपको अपने चैनल का नाम जैसे मैंने यहाँ दे रखा है आपको यहाँ पर इस तरह से नाम देना है और इसके अलावा हैशटैग के साथ अपने चैनल का नाम दे देना है। अगर आपको नहीं पता है कि इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज चैनल, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, देखो वही चीज़ ओपन हो गई डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ पर एक पेंसिल का मार्क आ रहा है, यहाँ पर सिंबल आ रहा है पेंसिल का, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एडिट कर दीजिए, जो भी आपके चैनल का नाम है चैनल का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर हैशटैग के साथ लिख दीजिए और उसके बाद डन कर दीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा हो गया, अबाउट में आपको अपने चैनल का नाम देना है। अब दूसरी चीज मैं आपको और बता देता हूँ, दूसरा काम हमें ये करना है, जब भी आप कोई भी वीडियो अपलोड करो अपने चैनल पर, तो जब आप चैनल पर वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल आती है, यहाँ पर आपको टाइटल देना होता है, ठीक है, यहाँ आपने अपना टाइटल दे दिया वीडियो का। उसके अलावा हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपने चैनल का नाम देना है, ठीक है। चैनल का नाम किसी भी तरह से आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हो ट्रायंगल गेमर सोशल लिंक, यानी ट्रायंगल गेमर यहाँ पर हमारे चैनल का नाम पूरा आ गया। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर हैशटैग के साथ भी हैश ट्रायंगल गेमर भी यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हैश ट्रायंगल गेमर है और यहाँ पर हमारे चैनल का नाम ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपने चैनल का नाम एक तो इस तरह से और एक हैशटैग के साथ, दोनों तरह से आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना है, एक काम ये हो गया। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे होता है हमारा टैग का ऑप्शन, यहाँ पर हम टैग्स लगाते हैं, आपने देखा ये टैग्स का कॉलम है, यहाँ पर हम टैग्स लगाते हैं। तो आप वीडियो के टैग में भी अपने चैनल का नाम जरूर डालिए, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम टैग में भी दे रखा है, इसी तरह से आप भी अपने चैनल का नाम टैग्स में जरूर लगाओ। मैंने यहाँ पर स्पेस के साथ दे रखा है और फिर एक दे रखा है विदाउट स्पेस, ये आपको काम कर देना है। तो आपको अपने सभी वीडियो के अंदर ये काम करना है, जब भी आप नया वीडियो आप अपलोड करो तो ये काम आपको करना होगा। और अगर आपने पहले से वीडियो अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पर, तो उन सभी वीडियो में आप एडिट कर देना, सारे वीडियो को एडिट करके अपने चैनल का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में देना है और आपको टैग में देना है। ये काम अपने सारे वीडियो पे आप कर दीजिए, जो आपने पहले से भी अपलोड कर रखे हैं उनमें भी आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारा लगभग 80% काम कंप्लीट हो गया है, 20% जो बचा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सेटिंग भी आप कर लीजिए। तो आप जैसे देख रहे हो ये हमारा यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो रखा है। क्रिएटर स्टूडियो जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेटिंग का बटन आता है, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि जनरल है, चैनल है, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, हमें करना है चैनल पर क्लिक, आप चैनल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप चैनल का नाम आ रहा है ट्रायंगल गेमर, और यहाँ पर आ रहा है कीवर्ड्स, यानी आपके चैनल के कीवर्ड्स क्या होंगे। तो यहाँ पर हमें चैनल के कीवर्ड्स देने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दे रखा है ट्रायंगल गेमर, उसके बाद ट्रायंगल गेमर विदाउट स्पेस, फिर दे रखा है गेमर, फिर दे रखा है गेमिंग चैनल, फिर दे रखा है हैशटैग के साथ ट्रायंगल गेमर, फिर ट्रायंगल, इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी हमने ट्रायंगल गेमर एक तो स्पेस के साथ दे दिया, फिर हमने विदाउट स्पेस दे दिया, फिर हमने गेमर दे दिया और उसके बाद गेमिंग चैनल दे दिया, ठीक है। यानी हमारे ये कीवर्ड्स हैं, जो भी आप चैनल है आपका, चैनल का नाम है वो यहाँ दे दीजिए। इसके अलावा आपको ये भी देना है कि आपका चैनल किस टाइप का है, गेमिंग चैनल है तो यहाँ गेमिंग चैनल लिख दीजिए, किस तरह के आप वीडियोस बनाते हो, मान लो आप अनबॉक्सिंग के टैग के वीडियो बनाते हो तो यहाँ डाल सकते हो टैग वीडियोस, या फिर आपके हिंदी वीडियोस हैं हिंदी डाल सकते हो, जो भी आपका कीवर्ड है वो भी आपको यहाँ पर लगाने हैं। अपने चैनल के नाम के अलावा और भी कीवर्ड्स आप यहाँ पर लगा दीजिए, मान लीजिए कोई गेमिंग चैनल है तो यहाँ पर लगा दीजिए गेमिंग चैनल, गेमर और अपने चैनल का नाम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कर देनी है। और उसके बाद सिंपल सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, ये सेव हो जाएगा। अगर आपने ये सारे काम कर लिए, ये तीन काम हैं छोटे छोटे, ये तीनों काम आपने कर लिए तो 100% आपका चैनल
15 डेज के अंदर सर्च में आने लगेगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।